हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बैकनेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है इस तरह से, आप भी अपने अकॉर्डिंग कपड़े की कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच पर और यहाँ पर हम पट्टी लेंगे 3 इंच पर। तो इस तरह से हम दोनों पर निशान लगा लेंगे और बॉक्स बना लेंगे लाइन खींचकर। तो यहाँ पर मैंने लाइन खींचकर बॉक्स बना लिया है और इसको शेप भी दे दिया है राउंड में। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों कपड़े की कटिंग एक साथ करनी है, अस्तर वाले और मेन फैब्रिक की। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। अब हम नेक की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम मेन फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे और नेक की सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमको मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख कर नेक की सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने नेक की सिलाई कर ली है। यहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद हम यहाँ पर कमर की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर की भी सिलाई हो चुकी है। तो यहाँ नेक और कमर हमारी दोनों सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद हम यहाँ पर नेक पर एक और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने नेक की सिलाई कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है इस तरह से। अब हम यहाँ पर पेपर कैनवास ले लेंगे। पेपर कैनवास के ऊपर जो हमने बैक पार्ट तैयार किया है उसको इस तरह से रख लेंगे। तो हमको पेपर कैनवास के ऊपर रख लेना है बैक पार्ट को और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम पेपर कैनवास को फोल्ड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पेपर कैनवास बचा है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ऊपर हम इसको शेप दे देंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे, आप भी अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं या फिर इसी तरह शेप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पेपर कैनवास को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है प्रेस करके इस तरह से। अब हम यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक ले लेंगे, इसको हमको फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। तो यहाँ पर हम सेंटर में इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से आप भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम इस तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब हम जो पेपर कैनवास को मैं अस्तर वाले कपड़े के ऊपर अटैच किए थे उसको इसके ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम कट कर लेंगे और इस तरह से छोटा छोटा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से पलटते हुए सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हम प्रेस लगा लेंगे इस पर। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्रेस लगा लिया है। अब हम इसको पलटकर इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। इसी तरह से आप भी सिलाई लगा लीजिएगा और एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारा बचा था उसको हम कट कर लेंगे। अब हम इस पर लेस अटैच करेंगे सिलाई लगाते हुए। तो इस तरह से पतली वाली लेस को हम ले लेंगे और अटैच कर लेंगे इस पर। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है सिलाई लगाकर। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को ले लेंगे और इस तरह से हम रख लेंगे और यहाँ पर हम इसके चारों तरफ पिन लगा लेंगे। इस तरह से पिन लगाकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से आप भी पिन लगाकर सिलाई लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कर ली है और जो पिन लगाया था उसको हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर नेक पर इसके चारों तरफ से पतली लेफ्स लगा लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने नेक पर चारों तरफ लेस लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कमर में टक्स लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ हमको टक्स लगा लेना है कमर पर। तो यहाँ पर मैंने कमर में टक्स लगा लिया है इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट बन के तैयार हो चुका है। आपको आज का ये वीडियो और आज का ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और जो भी नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना इसी तरह नए नए वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।